अब हम दर्शन लाभ करते हैं श्री काशी विश्वनाथ सतुआ बाबा खालसा के, जहां पर परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री ओंकार दास जी महाराज भक्तों को अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरुजी प्रणाम। वास्तव में जो कुंभ का अर्थ है, जो आपके अनुसार कुंभ है, वो मुझे बताइए कि क्या अर्थ लूं मैं कुंभ का। जय श्री राम। यह अमृत महोत्सव, कुंभ महोत्सव विश्व का अद्वितीय अलौकिक महोत्सव है। इस महोत्सव में विश्व के ज्ञानी, ध्यानी, सिद्ध, साधक, देव, दनुज, नर, किन्नर सभी सम्मिलित होते हैं धूमधाम से। हमारा जीवन जो सुरक्षित है, उसका बेस आधारशिला अमृत ही है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, गुरु वाणी सुनते हैं या कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें दैहिक, देविक और भौतिक संतापों से छुटकारा मिल जाता है, जो आज के मानव को बुरी तरह से घेरे हुए हैं। तो आप बताइए कि किस तरह से हम इन तीनों संतापों से दूर रह सकते हैं। इस संसार में, इस अमृत महोत्सव पे, इस जीव के साथ साथ में कुछ कमियां लग गई है, जिसके लिए दैहिक, दैविक, भौतिक ताप तीनों ताप से तपते हैं। वो अपना निजी कमी, सारे वस्तु उपलब्ध है, लेकिन हमारा निजी कमी से यह हमको ताप मिलता है। तो जहरीला वस्तु को जो सेवन करता है, उसको यह तापों के ताप समन करना पड़ता है। हम सावधान रहेंगे, सही ढंग से ज्ञान होगा, तो मुझे कोई ताप तापित नहीं करेगा। इस अमृत महोत्सव पे, महाकुंभ पर्व पे, महाकाल भोले बाबा से, अमृतमयी गंगा स्वरूपा छिप्रामयी छिप्रा माता से, और संत समाज, देव धनुष सभी यहाँ विराजित है, सबके सानिध्य में, उपस्थिति में, सभी को यह शुभकामना देता हूँ कि यह अमृतमयी लाभ सबको मिले, सबका जीवन सुरक्षित हो, सभी व्यवस्थित अपने अपने कर्म में आगे बढ़ते रहें, ऐसा हमारा शुभकामना। दर्शन लाभ कर रहे थे श्री अनुपम हनुमान राम जानकी मंदिर कटनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश द्वारा उज्जैन महाकुंभ 2016 में आयोजित कार्यक्रम का विशेष प्रसारण।